सरना झंडा को जलाया गया, वो हम लोग को मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। आदिवासी संगठन सरना समिति के आह्वान आज बंद बुलाया गया है। 25 मार्च को करम टोली में सरना का झंडा जलाया गया था, जिसका सरना समाज की तरफ से विरोध किया जा रहा है। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। गिरफ्तारी होने तक बंद जारी रखने का अल्टीमेटम दिया गया है। सरना समाज का कहना है कि सरना झंडा जलाने वाले आरोपी के नाम पुलिस को बताया गया है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए आज सड़क पर उतर कर वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर रांची जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रांची के कई इलाके में सड़क जाम किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि अभी तक स्थिति सामान्य है। एक दो जगह टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। सरना समाज के लोग सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी चाहते हैं। बिरसा चौक के पास बंद का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। वहां आदिवासी समुदाय के लोगों ने बांस लगाकर रास्ता रोक दिया है। सुबह 9 बजे के आसपास टायर भी जलाया गया था। रास्ता रोक देने से बड़ी संख्या में वाहनों की कतार लग गई है। जोर, मेरा नाम है कुलदीप सांगा। मैं केंद्र समिति रांची महानगर के महानगर का अध्यक्ष। कब से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन जब से हम लोग को मालूम चला है, हम लोग को जानकारी हुआ है कि हम लोग को ये सरना झंडा जलाया गया है, तब से हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल हम लोग का था मशाल जुलूस होने के बाद आज ऐलान किया गया था कि 8 तारीख को हम लोग का यह रांची बंद रहेगा। लेकिन इससे आम लोगों को परेशानी नहीं हो रही है? नहीं, हम लोग बंद करवा रहे हैं शांतिपूर्ण से, किसी को यहाँ परेशानी नहीं हो रही है। और जितने भी एम्बुलेंस है, जितना भी सरकारी वाहन है, सबको आने जाने उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज सब पहले से ही सबको ऐलान कर दिया गया था कि 8 तारीख को झारखंड बंद रहेगा। तो क्या मांग है आप लोग, क्यों बंद किया? हम लोग का बस ये एक ही मांग है, जो ये सरना झंडा को जलाया गया, वो हम लोग को मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। जिसने ये भी किया है, उसको जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।